सहज क्या होता है, बहुतों को मालूम भी है आप में से। नानक साहब ने बड़ी मेहनत की है और सहज पे बहुत कुछ लिखा है। आप लोगों को बड़ा वरदान है उनका यहाँ पर, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, समझता नहीं है। सहज का मतलब होता है सहज, सह माने साथ और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुआ है। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है, हर एक मनुष्य को इसका अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें। लेकिन आप मनुष्य हो तब, अगर आप जानवर हो गए तो इस अधिकार से आप च्युत हो जाते हैं, या आप दानव हो गए तो भी इस अधिकार से आप च्युत हो जाते हैं। अगर आप मनुष्य हैं साधारण तरह से, तो आपको अधिकार है कि इस योग को आप प्राप्त करें। यही एक योग है, बाकी कोई योग नहीं है। बाकी जितने भी योग हैं वो सब इसकी तैयारी है। सहज योग के और दूसरे माने ये भी लगाते हैं हम लोग कि सहज माने सरल, सीधा, एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, अकस्मात घटित होने वाली चीज। क्योंकि ये एक जीवंत घटना है, जैसे आपका जन्म होना, जैसा आपके माँ के गर्भ में रहना, जैसा पेड़ों का फूलों से लग जाना, फलों में परिवर्तित होना, उसी प्रकार ये एक बड़ी भारी सहज घटना है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल नैसर्गिक घटना है। और ये घटना जो है ये मनुष्य की उत्क्रांति की चरम सीमा है। मनुष्य जानवर से परमात्मा ने बनाया, आप जानते हैं अमीबा से मनुष्य क्यों बनाया, प्रश्न करना चाहिए सब साइंटिस्ट को बैठ करके कि आखिर क्या वजह है। समझ लीजिए मैं दो चार कलपुर्जे इकट्ठे करती हूँ और एक इस तरह की गोल चीज लाती हूँ, उसमें एक डंडा जोड़ती हूँ, तो कोई भी पूछेगा कि भाई ये सब क्या कर रही, किसके लिए कर रही। कोई भी इंजीनियर से पूछे कि वो अगर कोई बैठकर चीज बनाता है तो किसी न किसी काम के लिए, किसी यूटिलिटी के ही बनाता है। कोई पागल आदमी होगा जो बैठे हुए यूं ही जोड़ते बैठा रहे? कोई भी समझदार आदमी किसी न किसी कारण से बनाता है। तो परमात्मा ने मनुष्य को किसी न किसी कारणवश ही बनाया, लेकिन ये सब बनाने के बाद भी जब तक इसको मैं मेन से नहीं जोड़ूंगी तब तक ये यूजलेस हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रह जाता, ये बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ है, इसको इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें से कनेक्शन ही नहीं हुआ। ये साधारण समझदारी की बात नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस से कहते, कोई इसको बड़ा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी अगर देहात से आए और वो कहे कि भाई ये लाइट कैसे जलती, तो आप कहेंगे कि चलो भाई वो जो उसको बटन है उसको दबाओ तो लाइट जल जाएगी। तो शुरू में देख के अवाक रह जाएगा, ये कैसे हुआ, बड़ी कमाल की चीज़ है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पर देखता है फिर उसे लगता है हाँ भाई ऐसी बात है। इसी प्रकार कुंडलिनी का भी है कि वाकई बटन दबाने से ही खड़ी होती है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन उसके पीछे बड़ी भारी इंजीनियरिंग लगी हुई। इसके पीछे में कितनी बड़ी इंजीनियरिंग लगी है, सदियों की इसमें मेहनत लगी हुई है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने पता लगाया, फिर उसको ये किया, फिर वो किया, फिर उसको वहन किया, फिर उसके बाद यहाँ लाया, फिर ट्यूबलाइट्स बनी, फिर ये सब कुछ हुआ, फिर आप तो जानते हैं कितना लंबा चौड़ा इसके पीछे में काम किया गया। इसी प्रकार जो आपके अंदर कुंडलिनी है वो सहज आपको ज़रूर मिल गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस पर काम किया नहीं है। ये आपकी पेशानी पे बहुत काम किया गया है, इस पेशानी को भी बड़ी शान से बनाया गया। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब उसकी ये पेशानी जगी, इसीलिए कहा जाता है कि इसको सर को किसी के सामने झुकाना नहीं, क्योंकि ये पेशानी बहुत मेहनत से बनाई गई, मनुष्य बड़ी मेहनत से बनाएगा। और मनुष्य क्या है असल में, अंदर क्या बनी हुई इंजीनियरिंग है वो ये। मेरा तो विचार अपना ये रहता है कि भाई चलो पहले लाइट जला लो, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग समझाती रहूँगी, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है बड़ी सरदर्द की चीज़ है, कोई लोग तो बोर भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा पहले पार कर दूँ तो मेरे बातचीत का मज़ा उठाते हुए आप लोग सुन भी लीजिएगा, नहीं तो बड़े बोर हो जाते हैं, मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ समझाते समझाते। तो कुंडलिनी जो है वो क्या चीज़ है उसको भी समझ लो, और जो कुंडलिनी के बारे में दुनिया भर की बातें दुनिया में लोगों ने फैला रखी वो कैसी गलत है वो भी मैं धीरे धीरे इसी में समझा दूँ। तो उसके साथ साथ ये भी समझ लो कि ये लोग अज्ञानी हैं और अज्ञान में ऐसा कार्य करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद क्या होता है वो मैं कल आपको बताऊँगी, और उसकी पहचानें क्या है
उसको कैसे पहचाना चाहिए कि आदमी की कुंडलिनी जागृत है या नहीं। यानी यहाँ तक लोग कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण होने के बाद कोई आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर दुनिया भर की चीज माने ये कि आप जागरण ही नहीं कराओ, उसकी जागृति नहीं कराओ, ऐसे ही मर जाओ और इन राक्षसों के हाथ में रहो। क्योंकि जैसी जागृति हो जाएगी आप पहचानना शुरू कर देंगे कि कौन भूत है, कौन राक्षस है और कौन संत है। क्योंकि इनके पेट पर पैर आएगा, इसलिए तुमको ऐसी उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण में आप कूदते हैं और छलांगे मारते हैं। एक आदमी तो मुझे कहने लगा कि मेंढक जैसे उड़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कैसे जाना, कहने हमारे गुरु किताब में लिखा, इतनी बड़ी किताब है, मुक्तानंद का जो गुरु है उसने लिखी हुई, उसने लिखा है कि आप मेंढक जैसे उड़ते हैं। सोचिए मराठी में इन लोगों को क्या कहा जाए। आप अभी यहाँ देख रहे हैं कितनी की जागृति हुई है और होती रही है और हजारों की हुई है। कोई भी मेंढक जैसे कूदा? ये बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि ये पार भी हैं और इनके हाथ में वाइब्रेशंस भी हैं और ये जानते क्या चीज है। बिल्कुल हंसने की बात है। इस तरह की जो ऊटपटांग सब बातें थियोरीज चल चुकी है, इससे कुछ भी नहीं होता। रही बात ये कि कुंडलिनी अत्यंत तो सूक्ष्म चीज है और वो आपको अपनी सूक्ष्मता में उतारती है। इसलिए जो चीज़ अति सूक्ष्म है उसके लिए आपको भी सूक्ष्मता में उतरना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत जड़ता में रहते हैं, सुबह से शाम मटेरियलिज्म के बीच में पनपते रहते हैं। और फिर आजकल तो आप जानते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, मतलब रजोगुण पे बहुत चल पड़े हैं। इन सब कारणों की वजह से हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम इस चीज़ में उलझे ना, देखते रहें नाटक मात्र, और वो हो सकता है। सहयोग में दिल्ली में बहुत लोग आते हैं, पार भी हो जाते हैं। उनमें से 25% लोग सहयोग में असली उतरते हैं, बाकी जो हैं वो फिर उड़ जाते हैं। और इसी तरह से चलते रहता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि सहयोग में पार होने की क्रिया तो घटित हो सकती है, छू भी सकते हैं आप, लेकिन उसको बिठाना पड़ता है। जैसे कि मोटर तो स्टार्ट कर देते हैं हम, लेकिन मोटर को चलाना पड़ता है। स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी देर खड़खड़ खड़खड़ करेगी, उसके बाद वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप मोटर को जब तक चलाना नहीं जानेंगे, उसके कलपुर्जे नहीं जानिएगा, उसको चलाइएगा नहीं, तब तक आप जानिएगा नहीं कि आपके अंदर कोई गति भी हुई है। मोटर खड़ी है तो खड़ी है, उसके अंदर गति होनी पड़ती है। अब सब लोग मेरे और ऐसे हाथ करके बैठे हैं, मैं आपको कुंडलिनी क्या चीज़ है वो समझा देती हूँ। या आपके आगे एक नक्शा है, ये भी एक बड़े भारी सहयोगी ने बनाया है, और दो डेफेंडन डम मुखे लड़कों को से बोलता किया हुआ है। बहुत साधारण जीव है, म्यूनसिपैलिटी में टीचर है वो, और उन्होंने बनाया हुआ है बड़े प्रेम से। और देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ चित्र है, और उन्हीं की आइडिया है कि इस तरह के इस पे बनाने से, इसके रिफ्लेक्शन से ही लोगों को जागृति होनी चाहिए। और काफ़ी इसमें उन्होंने कमाल किए हैं, मतलब सब जितने भी कलर्स लगाए हैं सब मेरे पैर को छुआ के वाइब्रेट करा करके मेहनत से और इसको बनाया। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आप लोग भी ऐसा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिनको नहीं दिखाई दे रहा इस तरफ आ जाए, थोड़ा सा आ जाए इस तरफ और इधर आ जाइए, क्योंकि समझने की चीज़ है। हाँ, अब जो है इसमें आप जो ये त्रिकोणाकार रस्सी में ये जो देख रहे हैं यही कुंडलिनी है। मनुष्य जब माँ के गर्भ में रहता है, ये व्यवस्था जो पुनर्जन्म की है, जो उत्क्रांति की है, जो मैंने कहा कि मेंस में लगने की बात है, या जो मैं कहती हूँ कि आप लोग एक कंप्यूटर के जैसे हैं, और जब तक कंप्यूटर को आप मेन से नहीं लगाइएगा तब तक आपका कंप्यूटर कुछ बोलेगा नहीं, उसी प्रकार मानव जाति का है। अब इसमें जो कुंडलिनी दिखाई है, ये माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी अंदर प्रवेश करती है, लेकिन यही नहीं प्रवेश करती, ऊपर से यहाँ जहाँ बच्चे की तालू होती है, जिसे हम फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, वहाँ से ये देखा आपने ना कि ये त्रिकोणाकार जो बना है ये ब्रेन है आपका। मनुष्य ही का ब्रेन त्रिकोणाकार हो जाता है, जानवर का फ्लैट होता है, मनुष्य का त्रिकोणाकार होता है। तो ऊपर से कुंडलिनी नीचे उतर के और यहाँ बैठ जाती है, और इसके अलावा ये जो दोनों शक्तियाँ हैं इधर में, ये दोनों शक्तियाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दो नाड़ियाँ होती हैं ईड़ा और पिंगला। ये ईड़ा है लेफ्ट की और वो राइट की पिंगला, इन दो नाड़ियों में दौड़ती है। अब अगर इसको साइंस में समझाऊं
तो यह समझ लीजिए कि अपने अंदर एक स्वयंचालित संस्था है जो हमारे हृदय को चलाती है, जो हमारा पूरा अन्न है उसको पाचन करती है, माने हमें डाइजेस्ट कराती है, जो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने अंदर होते रहती शरीर में, हमारी श्वसन क्रिया है जो श्वास लेने की क्रिया है उसको जो कराती रहती है, उसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये ऑटो माने स्वयंचालित जो चीज़ है वो क्या है, ये स्वयं कौन है, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्टर। डॉक्टर तो यह कहेगा कि हम इसको स्वयंचालित कहते हैं, आप कह देने से नहीं, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं उनके पास। ये जो स्वयंचालित संस्था है इसमें दो तरह की संस्था होती है, उसको एक को तो पैरासिम्पथैटिक कहते हैं और एक को सिंपथैटिक कहते हैं। यही जो ऊपर से जो जहाँ तक दिखाई हुई या बीच की जो चीज़ है, ये अपने रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म स्वरूप में रह करके और पैरासिम्पथैटिक को चलाती है। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये लेफ्ट एंड राइट सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। पर ये मैंने आपको सूक्ष्म नाड़ियाँ बताई, ये बाहर में ग्रोथ में ये नाड़ियाँ हैं। अब मुझे तो आश्चर्य है कि एवन जैसे आदमी ने इतनी बड़ी किताब रखी हुई है कुंडलिनी पर, और वो क्या कहता है कि पेट में होती है कुंडलिनी। अब जिन्होंने अपने आँख से देखी है वो बता सकते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि में होती है। अब इस तरह की उसने अगर बात लिख दी और इतनी बड़ी किताब लिख दी तो क्या उससे अब कौन झगड़ा करने जाए, वो तो मर के काफी दिन हो गए। अभी जिंदा भी ऐसे बैठे हुए हैं कि वो कुंडलिनी के बारे में 1760 बातें बताते रहे, लेकिन वैसी बात है नहीं। असल में जो है सो है, असत्य कोई किसी के लिख देने से क्या होता है, कोई चाहे हजारों किताबें लिख सकता है। असत्य बहुत कुछ लिखा गया है, आप जान लीजिए जो कुछ लिखा है सब कुरान नहीं है, सब पुराण भी नहीं है और बाइबल गीता भी नहीं, जो कुछ लिखा गया है उसमें बहुत कुछ झूठ है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी लोगों ने झूठ घुसेड़ने की कोशिश की, क्योंकि झूठ जो होता है वो हमेशा आक्रमण करता है, आप जानते हैं सत्य। और इस वजह से जो अपनी आँख से देखो, जो आप में घटित हो, जो घटना हो उसे जानो। पढ़ लिख करके आप कुछ अभी कहीं से कुछ पढ़ के आए, ऐसे तो कुंडलिनी नहीं है, तो जब है ये नहीं तो हम कैसे करें भाई। आप अगर कहीं से पढ़ के आए कि गुलाब के फूल का रंग नीला होता है और फिर कहा कि साहब ये तो गुलाब का फूल ही नहीं क्योंकि इसका रंग नीला नहीं, तो ऐसे लोगों से क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को कौन सी बात समझाई जाए, ये बताइए आप। कि उन्होंने कहा है आप उनको जानते नहीं, फिर आपने किताब खरीदी कितने, 2 रुपए में, फिर वो मैंने पढ़ी उसमें ये लिखा है माता जी, फिर आप ऐसे क्यों करें। अब मैं क्या आपसे कहूँ कि वो झूठा आदमी है, कहूँ तो आप मुझे डंडा लेके मारने दौड़ेंगे, क्योंकि आप फौरन वकील बन जाते। आपने किताब क्या पढ़ ली, आपके पास एक किताब क्या आ गई, आप उस किताब वाले के वकील बन जाते और मेरी जान को लग जाते कि माँ ऐसा तो है नहीं, आप यही बोल रहे, यानी मैं झूठी हो जाती हूँ वो सच्चा हो जाता क्योंकि आपने 2 रुपए लेकर उसको खरीद लिया, या किसी गुरु को आपने बना लिया। अब वो गुरु महाराज ने जो भी कहा वो आपके लिए सत्य हो गया, भाई उसने आपको कुछ किया, उसने आपको पार किया, उसने आपके साथ क्या किया, कुछ नहीं, वो तो 7 मंदिर पे बैठते हैं, मुझे नाम दे दिया। अरे मैंने कहा भाई जिसने नाम दिया उसने तुम्हारा कुछ देखा नहीं, नहीं मेरे तो हार्ट अटैक आ रहा है माता जी इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा उसी को क्यों नहीं कहते तुम, अब मेरे पास काहे को आए, वो तुमको देखता भी नहीं कि तुम्हारा हार्ट अटैक आ रहा है, कि तुमको कोई बीमारी है, कि कोई तुमको तकलीफ है, ऐसे गुरु को लेकर उसका क्या आचार डाल देखा है। और ऐसे अनेक गुरु हैं जिनके शिष्यों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अरे अगर गुरु रख के उससे हार्ट अटैक्स आते, आपकी तंदुरुस्ती चौपटाती है, आपका दिमाग खराब होता है, आपकी बीबी पगलाती है, घर में सब चौपट है, यहाँ कोई लक्ष्मी जी का स्थान ठीक नहीं, तो ऐसे गुरु का क्या आचार डालने का, आप उसके पीछे में क्यों लगे हुए हो, उसे क्या दिया। हजारों आदमी दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं, अरे सब गधे हैं तो आप भी गधे होंगे। ये भी एक सोचने की बात होती है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम क्यों इसे गुरु मान रहे हैं। दूसरा मानता है माने, हम क्यों माने, हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है और हमने अपने स्वतंत्रता में नहीं जाना है। बहुत से ऐसे गुरु हैं जैसे वो ट्रांस वाले महाराज हैं, वो आपके एक नाम दे देते आप भूत में चले गए, आपको लगता है आप बड़े भारी आदमी हो गए, किसी भूत का नाम दे दिया आपको, आप भूत का नाम लेने से हो जाते हैं वो तो ठीक है, बहुत बड़े आदमी हो गए। शराब आप पियो, औरतें आप रखो, खाना जो खाओ जैसे भी सताओ, दूसरों को पीड़ित करो, एग्रेशन करो, कुछ नहीं, बस आप तो साधु बाबा हो गए। क्यों, फलाने गुरु उसने 4 औरतें रखी मैंने 10 रखी तो क्या हुआ, उसका धर्म से, मनुष्य से, उसके ह्यूमन एलिमेंट से कोई भी संबंध गुरु का नहीं रहता। ये अजीब तमाशा, और आदमी इसको मानता है, उसको ऐसे गुरु बड़े अच्छे लगते। हमारे यहाँ एक वो रजनीश है, हमारे यहाँ एक रजनीश नाम का आदमी है, तुम तो सुने हो उसका नाम, वो अंग्रेज लोग उसके चरणों में लौट रहे हैं। अरे मैंने कहा तुम लोगों को काहे को चाहिए, तुमने तो सब कर दिया तमाशा, तुम उसके गुरु बन टालो,
तुम उससे क्या सीखोगे ये सेक्स की बातें? तुम उससे क्या सीखने वाले हो? तुम्हारे से वो सीखे ऐसे तुम लोग होशियार हो, तुम क्या उसके गुरु पर ना लगाए हो? लेकिन इसलिए कि कॉन्शियंस कीपर है, क्योंकि ये तो अभी राक्षस नहीं हुए ना, तो ये सोचते हैं कि हम इतने गंदे काम कर रहे हैं, क्राइस्ट ने तो ये काम नहीं किया और हम लोग ये सब धंधे कर रहे हैं लिबरेशन के नाम पर, तो कोई ना कोई गुरु बना लो तो उसका उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, वो गुरु बैठा रहेगा नर्क में और ये भी उसके पीछे चले जाएंगे। ऐसे लोगों गुरु ऐसे अच्छे लगते हैं लोगों को कि जो कहे हाँ भाई तू बड़े अच्छा आदमी, हाँ 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 तुम्हारे से बड़ा कोई नहीं, बस तुम्हारी पर्स इधर रख दो, तुम्हारी बीवी तुमसे समझती नहीं तो उसको भी इधर भेज दो, मैं सब तुम्हारे काम कर दूँ। ऐसे भी गुरु लोग हैं दुनिया में, वो कहते अपना जो कुछ भी पैसा धन संपत्ति है सब आश्रम को दे दो और आप बिल्कुल वहां पर पहुंच जाओ, ऐसे दूसरों के पैसे पे नजर रखने वाले गुरु कैसे हो सकते? पहली चीज पैसे से, और आपको भी अच्छे लगते हैं ऐसे गुरु, क्योंकि आप सोचते हैं आप पैसे वाले हैं भाई, दिल्ली वाले हैं, काफी दोनों हाथ से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग अपने नेगेटिव भी पैसा कमा लेते हैं अंडर द टेबल, तो उसका भी इंतजाम होता है, गुरु भी पाल लिया है उसका भी इंतजाम है, चलो भाई गुरु भी अपने हैं तो अपन ने अपना अगला जन्म भी ठीक कर लिया और ये जन्म भी अपना ठीक है, हमारे गुरु तो कुछ कहते नहीं, बड़े शरीफ आदमी है। जकार्ता में एक और गुरु मिले, जकार्ता के पास सिंगापुर में कुछ हिंदी लोग आए, माता जी हमको बचाओ। मैंने कहा क्या होगा भाई? कहले अब तो हमारे गुरु ने हमारी लुटिया डुबो दी। मैंने कहा क्यों? कहले वो तो जाके बैठे हैं स्विट्जरलैंड। मैंने कहा अच्छा। कहले हमें हम स्मगलिंग करते थे, हमारा सब जकार्ता माल पकड़ा के। मैंने कहा बड़ा अच्छा, वो आप मत करो ऐसे। तो नहीं हमारे तो गुरु ने ऐसा कहा कि करो और हमको कुछ तरीके भी बताए। मैंने कहा अच्छा, और अब वो स्विट्जरलैंड बैठे हुए। तो ऐसे गुरु जो पालना चाहते हैं उनका यहाँ स्थान नहीं है, सीधा ऐसा मैं हाथ जोड़ती हूँ, चाहे मेरे पास दो ही शिष्य है मुझे हर्जा नहीं, जिसको सत्य चाहिए वो यहाँ है। पहली चीज, जिसको सत्य नहीं चाहिए और असत्य के पीछे जो भागना चाहते हैं वो मेहरबानी से तशरीफ ले जाए, लेकिन आप अगर सत्य खोज रहे हैं तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ और सब कुछ करने को तैयार। उसी की प्रतिष्ठा होती है जो सत्य पे खड़ा होता है। परमात्मा ऐसे आदमी से कभी नहीं खुश हो सकते जो आदमी ऊपर एक और पीछे एक बात करता है। ढोंगी पना और ये सब चीजें यहाँ चलने नहीं वाली। जो वास्तविक में अपना उद्धार चाहता है और अपना कल्याण चाहता है उसके लिए हम हाजिर हैं, उसकी हर एक सेवा करने के, क्योंकि हम आपकी माँ हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और आपकी किसी भी झूठ बात को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम लोग बुरा नहीं मानना, अत्यंत प्रेम से हम तुमसे कहेंगे, तुमको दुख नहीं देंगे, अपमान नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बात कहेंगे उसको तुमको सुनना पड़ेगा। इस शर्त पे हम पार कराएंगे और आगे चलाएंगे और तुमको पार हो करके और दुनिया को देना पड़ेगा। जैसे कि कोई दीप जलता है तो उसको कोई पलंग के नीचे नहीं रख देता, वो बुझ जाएगा, उसको ऑक्सीजन में जलना चाहिए। इसी प्रकार जो पार हो जाता है उसको दूसरों को देना पड़ेगा। अभी जैसे अभी एक किस्सा सुना रहे थे, एक औरत आई थी, ये सुब्रमण्यम साहब लेके आए थे, मिस राव करके, उसकी शादी नहीं हुई थी तब, और उसके ब्रदर यहाँ पर DIG पुलिस थे, तो लेकर के आए मेरे पास में। तो उसके 5 मिनट में उसकी आंखें ठीक हो गई, वो अंधी हो गई थी, उसको हॉस्पिटल में डाला था और 5 मिनट में वो देखने लगे, वास्तविकता। तो ये सुब्रमण्यम ने कहा था कि मैं सिर्फ ड्राइव करके तुमको पहुंचा देता हूँ, तो ड्राइवर बन के आए थे, वो तो पार हो गए और ये लड़की भी ठीक हो गई। उसके बाद DIG साहब को भी हमने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद उनको चक्कर पड़ गया सत्य साई बाबा का। मैंने कहा भाई तुमको हीरा ढूंढना है, मोती ढूंढना है, क्या चाहिए तुमको? हीरे मोती के लिए अगर तुमको करना है तो नौकरी छोड़ो और तुमको मिल जाएगी हीरा मोती, दूसरा कोई धंधा करो, डकैती करो। हाँ पुलिस वाले बहुत अच्छे डकैत हो सकते हैं, वैसे भी पुलिस में ही डकैती कर सकते हैं, क्या जरूरत है ओपनली डकैती करने की, छोरी छिपे कर लो वो भी अच्छा है। पर तुम इस जादू वाले के पास काहे को जा रहे? उसकी शक्ल से नजर नहीं आ रहा तुमको ये कैसा आदमी है? सुना नहीं मेरा? अभी वो बता रहे थे कि अब मर रही है, वो जवान लड़की है, 35 ईयर से ज़्यादा उसकी एज नहीं होगी, अभी वो मर रही है, उसका गला घुट रहा है, अभी चलो माँ उसको बचाने। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, तुम सबको छोड़ के उसको बचाने जाओ? हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को। यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे गुरु क्या कर रहे हैं, अगर किसी का हो असल गुरु तो पहले ही पहचान लेते हैं। जो तुम्हारी कुंडली नहीं खराब करते, जो तुम्हारे इस मार्ग को अवरुद्ध कर दे, वो गुरु कैसा?
जिसकी वजह से तुम पारी नहीं हो सकते, तो भी उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े ही रहेंगे, पकड़े ही रहेंगे, पकड़े ही रहेंगे। अभी यही महेश योगी के 132 लड़के मेरे पास, लड़के लड़कियां लंदन में आए और सब बोलते हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया। माताजी समझ में नहीं आता क्या ब्लॉकेड हो गया। उनके भी इलाज है, मोहम्मद साहब ने बहुत इलाज बताया ऐसे दुष्टों के, नानक साहब ने भी बताया और वही इलाज से ठीक हुआ है। तो तुम लोग भी समझ लो कि सत्य चाहना है, असली चाहना है, पार होना है, हमको अपनी हस्ती को जानना है, हमारे अंदर जो छिपी हुई संपदा है उसको हमको रिलीज करना है। इनके शिष्यों से देखो, तुम लोगों को शिष्यों से देखना चाहिए। इनके शिष्य हैं क्या, वो धर्माचरण कर रहे हैं क्या, बड़े शरीफ आदमी है। एक कहते हमारी बड़ी, हमारी तो बस ध्यान लगा रहता है सर। मैंने कहा अच्छा क्या, 3-3 घंटे हम बैठे रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आलसी बना के धंधे, किसी औरत को बड़ा अच्छा, अगर धंधा नहीं करना तो मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, मैं बैठी हुई 3 घंटे, बच्चे मेरे रो रहे हैं, पति मेरे बगैर खाना खाए, ऑफिस चले, बड़ा अच्छा धंधा निकाला हुआ, मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, नाम दे दिया, मैं बैठा हूँ। निष्क्रियता अगर धर्म का लक्षण होता तो ये कृष्ण जी हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर यहाँ क्यों आए थे? बैठते अपने निष्क्रिय बन करके कहीं जंगल में जा करके शादी भी करेंगे और बीवी बच्चे जो है उनको नहीं संभालेंगे, ये कोई धर्म का लक्षण होता है? और ये कहला हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। हाँ शराब जरूर चीज़ है, शराब के लिए इसलिए मना किया हुआ, शराब सिगरेट के लिए इसलिए मना किया हुआ कि अब आप जानते हैं सिगरेट से कैंसर हो जाता है। वो सब क्या पागल थे जिन्होंने मना किया? शराब जरूर मना किया है, शराब इसलिए मना करा हुआ है कि शराब आपकी चेतना के विरोध में पड़ता है, कॉन्शियसनेस के विरोध में पड़ती है। शराब के पीने से आपकी कॉन्शियसनेस विचलित हो जाती है, आपका लीवर खराब हो जाता है, लीवर में आपका चित्त है और चित्त खराब होते ही आपकी रियलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, ये मनुष्य धर्म के विरोध में है, बिल्कुल राक्षसी ने, विश्वास करो। आंध्र प्रदेश के लिए अभी कल किसी ने सवाल पूछा, आंध्र प्रदेश में गई थी 1 साल पहले, मेरे 4 टेप्स हैं उसमें आप सुन लीजिए, और यहाँ पे वो आए हैं जो मुझे ले गए थे, आए थे कल और अभी आएंगे थोड़ी देर, उनसे पूछ लीजिए। मैंने उनसे कहा कि यहाँ तंबाकू मत तुम चला। गुरु गोविंद जी एक बार तंबाकू के खेत में गए थे तो उनका घोड़ा उल्टा दौड़ा, पूछ लो किसी से, किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ो। तंबाकू के वहाँ पे खेत के खेत लगे हुए जैसे कोई ट्यूलिप्स लगे होते ना हॉलैंड में, और सब बड़ी बड़ी मोटरें लेकर मुझे लेने आए, मुझे आए हंसी। मैंने कहा इससे अच्छा तो बैलगाड़ी में आते लेकिन कुछ धर्म लेकर के आते, सारी दुनिया भर के लिए वहाँ से वो लोग तंबाकू भेजते हैं, कितना पाप इनके पुष्टन पुष्ट पड़ा होगा, अरे बाप रे बाप। मैंने कहा कि इसको उखाड़ के फेंक दो। तो कहना हम क्या करें? मैंने कहा यहाँ कपास लगा, यहाँ का कपास बहुत बढ़िया होगा, तुम लगाओ। एक दो ने सुना, बाकी सब तो मुझसे इतने नाराज हो गए, मेरे को चिट्ठी भी नहीं भेजी, ये माता जी बहुत खराब है और हमारे ऐसा कह रही और ऐसा कह रही। ठीक है अब हालत देखी, सारे खेत भर गए पानी से। मैंने यही कहा था कि समुद्र आप पे खोलेगा एक दिन, समुद्र क्या है, साक्षात पिता स्वरूप है, गुरु है, साक्षात गुरु है, सिखाता है। और गुरु के विरोध में बैठती है शराब और सिगरेट, इसलिए मना किया। और तीसरी चीज जो बहुत बुरी है, जुगाड़। अभी हमारे एक सहयोगिनी है, उनके अड़ोस पड़ोस में सब लोग ताश खेलते, औरतों को तो चक्कर हो गए, सवेरे से उठे कॉफी पार्टी शुरू हुई, ताश चलने लगे। अब उसके हाथ में एक फोड़ा आ गया, मेरे पास आई माता जी इसको ठीक करो। मैंने कहा 1-2 दिन तो मैंने सोचा कि उसे नहीं बोलेंगे बेचारी से, बहुत दर्द होता है, ये करूँ वो करूँ। मैंने कहा भाई देखो तो ताश खेलती हो? कहने हाँ। और पैसे भी लगाती? कहने हाँ। मैंने कहा अभी प्रॉमिस करो कि कभी नहीं छोगी, और ताश खेले में हर्ष नहीं, ताश खेलो लेकिन पैसे पे उतरे तो गए, क्योंकि ये मनोरंजन का व्यवधान है। अगर किसी चीज़ का आप मनोरंजन करते हैं तो आप उसमें अगर पैसे की कंपटीशन से मनोरंजन करते हैं तो आपने अपने चित्त को विक्षुब्ध कर दिया। सीधा हिसाब है समझने का, आप समझ लीजिए हम हैं आपके साथ बैठे मज़े से बात करें, आप हमारे मित्र हैं। जैसे ही आपने मित्रता पैसे के दम पे आई, मित्रता खत्म हो जाती है कि नहीं? होती है कि नहीं होती है बताओ? कोई भी कैसा भी हो, सच बात है कि नहीं? कोई सा भी अच्छा रिलेशनशिप तोड़ना हो तो पैसे का झगड़ा खड़ा करो, फौरन हो जाएगी। जब तक आप पैसे का झगड़ा नहीं खड़ा करोगे तब तक मित्रता बनी रहती है ना, सूक्ष्म में यही बात होती है। इसीलिए ताश भी खेलना है, अगर दोस्ती के लिए खेल रहे हो तो बड़े दुश्मन हो सकते हैं आपस, इससे बढ़ के दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। कितनों की आहें, कितनों का क्या, छोटे छोटे बच्चे उनको घर में छोड़ करके औरतें अपनी ताश खेल रही हैं, काहे को माँ बनी, तशेड़ी बन जाती, बैठती जंगलों में बैठ करके सब तशेड़ियाँ खेलती हैं अपना आपस में, छोड़ती इन बच्चों के ऊपर मैं माँ बन के आने की किसने कहा था आपस में।
फिर उनके बच्चे भी तशेड़े बने, आदमी लोग भी तशेड़े, शराबी, गजेड़ू, ये सब बन करके मैं क्या करने यहाँ आई हूँ। दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसका जोर चला हुआ है। पंजाबी लोग तो सोचते हैं जब तक ताश नहीं खेलेंगे वो पंजाब ही के नहीं। बड़ा दुख लगता है जिस नानक ने इस बड़ी धरती पे जन्म लिया, दत्तात्रेय का साक्षात अवतरण जो हुआ, उनके जीते जी तो इनका इतना सताया उनको कि बस रे बस, और अब जब वो मर गए तो अब पंजाबी बन गए और उनके जान लो सब लोग। उनको जिस चीज से अत्यंत ग्लानि होगी वही सारे कार्य आप लोग करते जाओगे तो क्या कहा जाएगा। जो अपने पिता स्वरूप, जिन्होंने अपने लिए संसार में जन्म लेकर के, मनुष्य का जन्म लेना कोई आसान थोड़ी, इतनी मेहनत की, उनके साथ कितनी हम लोग ज्यादती कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि किस चीज़ को मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं मना करूँगी। अगर आप बिजली में अपना हाथ देंगे तो मैं कहूँगी बेटे इसमें हाथ मत दो, और आपको समझना चाहिए कि माँ का दिल जितना टूटता है आपका अपने लिए नहीं टूट सकता। इसलिए मेरी बात का कभी भी बुरा नहीं माना, तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए एक माँ ही मेहनत कर सकती। इतने लोग रियलाइज सोल्स है दुनिया में, तुमको नहीं मालूम, इतने गुरु लोग हैं, सब जंगल में बैठे और हिमालय में बैठे मेरे से मिलने आते हैं। मैं कहती क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठ करके, तुम लोगों को मैं क्या करूँ, वहाँ तुम्हारे को मैं क्या मर्तबान में भर के रख दूँ, क्या करूँ, तुम वहाँ काहे को बैठे हो। कहले माँ 12 साल तुम मेहनत करो फिर आएंगे, बड़े ख़राब लोग होते हैं, हम तो नहीं आने वाले, किसी को उनके पास भेजो तो उनकी टांगे वांगे तोड़ देते। कहते बड़े जालिम लोग हैं, बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता, इनको मरने दो, ऐसे ही कहते। तुम ही हो, तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतना प्यार है जो इनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, और हम लोग के बदकार जो आया उसी को मारने लग गए, डंडा लेके उसके पीछे पड़ गए। अभी यही पंडितों ने जो आज मंदिरों में बैठ करके तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, इन्होंने मरवाया कितनों को, और ये जो पोप बने घूमते हैं इन्होंने क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया और अभी कर रहे हैं, और तुम इन लोगों के पैरों में जा रहे हो, ये क्या धर्म करेंगे? 125 रुपये की श्रद्धा पे चलने वाले लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? बहुत सी अनधिकार बातें होती हैं, क्या बताऊँ, जो कि देखती हूँ लगता है कब लोगों की आंखें खुलेगी। कभी इतना कह गए अखंड पाठ रखा है, सब लोग वहां बैठे हो अखंड पाठ। अरे अखंड पाठ का मतलब ये होता है कि अखंड उसके तरफ चित्त देके सुनो, तो कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह की चीजें करने से कैसे तुम लोग समझोगे भाई? और जो कुछ कहा गया वो करो ना, उसको रटने से नहीं होता। सब कुछ कह गए हैं, सब कुछ बता गए हैं, और जो सहज है ये अनेक वर्षों से, जब से क्रिएशन हुआ सबसे सहज ही होता है। सिर्फ यही है कि आज सहज योग उस हद पर पहुंच गया जहां आपका कनेक्शन उस अनादि से हो सकता है। यही अंतर है, सहज अनेक तरीके से चलता आया। जब पहले पृथ्वी बनाई गई, उस पे जब उसको ठंडा गर्म किया गया, जब उसके अंदर निर्मिति हुई, उसके बाद जब उसमें जीव जंतु आ गए, जब मनुष्य आए, हर एक चीज जो है सहज ही होती गई। कृष्ण का भी सहज योग है, रास उसका वो मटके का फोड़ना, सभी कुछ सहज योग रहा। मोहम्मद साहब का सारा काम सहज योगी रहा, सबने सहज ही करते आए। आज सहज योग उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर कि आपका आमास सामूहिक तरह से रियलाइजेशन होना है। इसका जरूर इसकी जरूरत तो थी ही, लेकिन आज ऐतिहासिक भी समय आ गया, ऐतिहासिक समय आना पड़ता है, हिस्टोरिकल टाइम जिसको कहते हैं वो आ गया है। जब टाइम आ जाता है तभी फूल भी फलते हैं, जब टाइम आता है तभी बहार आती है। इसी प्रकार समझ लीजिए कि पहले एक ही दो फूल खिलते थे, आज अनेक फूल खिलने का समय आ गया है। उसकी ज़रूरत थी, हिस्टोरिकल थी, आपको वचन दिए थे, और जबकि एक आदमी पार होता था उसको पकड़ के मारते थे क्योंकि उसकी बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब आप आज 1000 आदमी पार हो जाएंगे तो सबको उनकी बात समझ में आ जाएगी। अब यह कुंडलिनी क्या है इसके बारे में अभी तक इतना खोलकर किसी ने बताया नहीं। क्राइस्ट ने कहा है कि आई विल अपियर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। अब यहाँ ये ईसाई लोगों से जाके पूछो इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं मालूम। कबीर दास ने, नानक साहब ने, सबने ही हीरा पिंगला नाड़ी शून्य शिखर आदि वगैरह सब बातें अपने कविताओं में कह डाली, लेकिन वो गोपनीय रही। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त जो कुछ कहा भी था उसी के लिए उनके जान ले डाले, और खोल के कहने के लिए और समझने के लिए भी मनुष्य में उतना ज़्यादा समझदारी का मादा नहीं था। हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि आज वो मादा ज्यादा है।
मनुष्य कितना भी लगता है गिरा हुआ, उसका मादा बढ़ा हुआ है। ऐसे सभा में बैठ करके कृष्ण के जमाने में अगर कोई लेक्चर देता तो कोई सुनने वाला था? इसलिए गोपी की लीला करनी पड़ी, उनकी गगरियां तोड़नी पड़ी और उसमें से वाइब्रेटेड जमुना का पानी उनके कुंडलिनी पे गिराना पड़ा। यह सब नाटक इसलिए किया गया कि उस वक्त ऐसे आपके जैसे बैठे हुए लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ती, लेकिन आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आप में खोज बहुत जोरों में है और इस वजह से सहयोग फलित हुआ है, अनेक देशों में हुआ है, खासकर लंदन में बहुत जोरों में सहयोग ने अपना पैर जमा लिया है। इसकी वजह एक है, अंग्रेज थे बड़े दुष्ट, इसमें कोई शक नहीं हो रहे होंगे, पर उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, कि बच्चे वाकई में साधु और उन्होंने बड़ी गहरी खोज की है जीवन में, बड़ी गहरी खोज की, उसके फलस्वरूप बहुत गहरी खोज की है, यहाँ तक कि वो गांजा तक पीने लगे। यहाँ से आपने भेजे थे ना बहुत सारे गांजा पिलाने वाले, तो उन्होंने उनको गांजा पिला दिया, ये कर दिया, सब करने को तैयार थे खोज के पीछे, और इतने पढ़े लिखे हैं कि कुंडलिनी के बारे में सब कुछ वो जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि जो सही है गलत है। जैसे उन्होंने सत्य पाया एकदम उसे पकड़ लिया। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे लंदन में सिर्फ 4 लेक्चर्स हुए, सिर्फ 4 कुल मिलाकर, और अभी 300 बढ़िया वहाँ पर सहयोगी तैयार हैं, बढ़िया, क्योंकि तैयार चीज थी, सूखी लकड़ी होती है, आग जल्दी से लहक लेती है। अभी कोई एयरपोर्ट पे कह रहे थे कि माँ यहाँ बच्चों में एकदम प्रज्वलित कर दो, मैंने कहा बेटा ये गीली लकड़ी है, इसको पहले सुखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब धूप आएगी उसमें सुखाऊंगी, प्यार की धूप में जब सूखेंगे तब कहीं जा कर के ये पनपेंगे, कोई आसान चीज़ नहीं। इसलिए अपने को माँ के प्यार में रखें, अपने से प्यार करें और सारी बात को एक खुले दिमाग से सोचें। ये कुंडलिनी हमारे अंदर जो है, ये 3.5 कुंडलों में रहती है, इसको इसलिए कुंडल कहते हैं। कुंडल माने जो घुमाई हुई चीज़ है, जिसको कि हमारे यहाँ सर्पाकार होते हैं, जब सर्प जब बैठता है तो सर्पाकार हो करके ये कुंडलिनी बैठी रहती है। मराठी में इसको वेटोड़े कहते हैं, वेटोड़े शब्द बहुत अच्छा है, कि जो घूम करके एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ ये कुंडलिनी है। और इसको कॉइल्स आप कह सकते हैं कि एक के अंदर एक 3.5 के कॉइल्स है। अब 3.5 क्यों हैं, तो इसका भी कारण है कि आप ऑटोमेटिक वॉच कर देखें, जो ऑटोमेटिक चलती है उसमें भी 3.5 कॉइल लगाने पड़ती है। इसमें गणित अनंत की बात है, इसकी वजह से होता है। अब उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगी तो वो एक चीज़ चल पड़ेगी, लेकिन जो भी सोचा है वो इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई शंका नहीं। अब ये 3.5 की कुंडलिनी यहाँ बिठा दी है, ये बीज का अंकुर है, ये बीज का प्रिम्यूल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है। और इसके नीचे में जो ये चक्र पहले से बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 इसके पंखुड़ियाँ हैं। ये चक्र इसको मूलाधार चक्र कहते हैं, मूलाधार नहीं कहते, मूलाधार चक्र। और ये जो त्रिकोणाकार जो जगह है माँ की जहाँ बैठी हुई है, ये आपकी अपनी माँ, सबकी अपनी माँ है, समझ लीजिए आपकी टेप है, आपकी माँ आपके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए आपकी टेप है, समझ लीजिए हर एक की अलग अलग माँ। और ये बार बार आप ही के साथ जन्म लेती, जहाँ जहाँ आप जन्म लेते हैं वहीं ये जन्म लेती। और ये जो कुंडलिनी है इसको आप किसी भी तरह से छू नहीं सकते, किसी भी तरह से आप जागरूक नहीं कर सकते, आप सर के बल खड़े हो जाइए, पढ़िए लिखिए कुछ करिए, किसी से नहीं हो सकते, न योगे न सांख्ये न, सबसे अच्छे तो हमारे आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने कह दिया कि योग और सांख से नहीं होती, माँ की कृपा से जागेगी, क्योंकि इसकी जो माँ है जब तक वो नहीं आएगी संसार में तब तक ये जागती नहीं। कभी कभी निराकार में अर्थात माँ के प्रेम की वजह से कोई कोई लोग पा लेते हैं और इसलिए वो निराकारी होते हैं, ज़्यादातर निराकार की बात करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं बुद्ध के बारे में हुआ कि बुद्ध एक बार थक के बैठे थे, तब स्वयं साक्षात आदिशक्ति ने ही उनको जागृति दी और वो पार हो गए। तो इन्होंने ईश्वर है ही ने ऐसा कहा, क्योंकि आप भी जब पार हो जाते तो आपको ठंडा ठंडा आता है और आप पार हो जाते हैं, आप थोड़ी देखते हैं कि ईश्वर है या नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ना कि ईश्वर है या नहीं। उसकी वजह यह है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्मता से जब कुंडलिनी ऊपर में चढ़ती है तो अंदर से गुजरती हुई जाती है, बाहर का मामला उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब चित्त आपका अति सूक्ष्म से अंदर से घुसता है तो बाहर का मामला दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या मालूम कि बाहर का दिल्ली आपको थोड़ी दिखाई देगी, आप एरोप्लेन से आएंगे तो आपको सारी दिल्ली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप घर के ही अंदर घुसे हो तो आपको वो घर ही दिखाई देगा, उसका भी बाहरी हिस्सा नहीं दिखाई देता।
इसी तरह से है, जब कुंडलिनी अति सूक्ष्म उठती है तो आपको बाहर का कोई तरीका दिखाई नहीं देता, आप ये भी नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ आपके अंदर से ठंडक ठंडक सी आने लगती है, चैतन्य की लहरी आने लग जाती है और इसका इफेक्ट आप देखते हैं। अब तो आपकी माँ है यहाँ और हर एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। अब ये जो मूलाधार चक्र है इसमें श्री गणेश ये बसते हैं। श्री गणेश का मतलब ये होता है कि एक प्रतीक है हमारे अंदर, एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? इनोसेंस का, अबोधिता का, पवित्रता का। जब ये माँ ने सृष्टि बनाई पूरी, तो सृष्टि बनाने से पहले उसने संसार में पवित्रता भरी। कोई भी माँ होगी, उसका बच्चा पैदा होने वाला होगा तो पहले हर एक चीज में हजार तरह की वो सफाई करेगी कि मेरे बच्चे को कहीं गंदगी ना लग जाए। कैसी भी माँ हो, वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो कुत्ती क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी माँ हो, पहले अपने बच्चे के लिए साफ सुथरी जगह बना देगी कि मेरे बच्चे पे किसी का अटैक नहीं आ जाए, ये उसकी ममता की निशानी है। तो उसने श्री गणेश को बना करके यहाँ बिठा दिया, पवित्रता को उसने बिठा दिया दरवाजे के ऊपर में। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स से कुंडलिनी जागृत होती है, वो अपने माँ के साथ सेक्स करने को कह रहे हैं। कम अज कम हिंदुस्तानी होकर के इसको समझो, अंग्रेज तो समझ नहीं सकते, उनको कोई माँ बहन ही नहीं गधों। तुम लोग तो समझो कि कोई ऐसी बात आपसे समझाए तो क्या आप इसको मानना चाहिए? ये रजनीश ऐसे समझाता है, उसको कहो अपनी माँ के साथ रहे, हम लोगों को ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा राक्षस है आप समझ लो तो, कि कुंडलिनी की जागृति जो आदमी कहता है कि सेक्स से होती है, कुछ भी नहीं होता। जब आदमी इस तरह के गलत काम करता है, कोई भी आदमी जो बहुत विषयी होता है और जो जीवन को, जिसने अपनी कोई इज्जत दुनिया में नहीं की हुई, जिसने बड़े गंदे कर्म किए हैं और वो कुंडलिनी की बातें करने लग जाता है, तब गणेश जी उस पर बिगड़ते हैं और तब वो नाचना शुरू करता है, एकदम चीखना शुरू करता है, बीच में ही उठेगी एकदम से, आफत मचाएगा। ये कुंडलिनी में गड़बड़ करने से होता है। जो सच्चरित्र है उसमें कभी कुंडलिनी ऐसा काम नहीं करे। कुंडलिनी स्वयं कुछ नहीं करती, वो तो माँ ही है तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे वरदान के लिए, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए वो ऐसा नहीं कार्य करती, पर गणेश गुस्सा हो जाते। तांत्रिक लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। हालांकि ये मैं कहूंगी कि कभी भी माँ बच्चे की पूरी गलती कभी नहीं कहने वाली, इसी वजह से हो शायद माँ कभी ये नहीं कहती कि कंप्लीटली कंडेम्ड माँ का स्वभाव होता है। मैं ये कहूंगी कि शुरू में जो गलती हुई होगी, हो सकता है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कहती हूँ, हो सकता है कि मनुष्य ने अपने मूलाधार चक्र पे गणेश जी को देखा होगा, सिर्फ उसकी सूंडी देखी होगी तो सोचा होगा कि यही कुंडलिनी है और इसीलिए उन्होंने गड़बड़ करी, हो सकता है। इसलिए बेसिकली पहले ही शुरू से ही बुनियादी तौर पे मनुष्य को कंडेम नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से काम करने से हमारे अंदर कुछ कुछ अजीब अजीब सिद्धियाँ आ जाती, तो उन्होंने सोचा कि यही शक्ति हो सकती। अब सिद्धियाँ कैसी आती है? आप जब कोई से भी चक्र पे, विशेषकर इस चक्र पे गलत काम करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए गणेश जी का मंदिर है, तांत्रिकों ने ऐसा किया, दक्षिण में एक मंदिर में ऐसा दिखाया है कि गणेश जी का अपने माँ के साथ गंदा संबंध है, बताइए। ये भी किया तांत्रिक लोगों ने, कुछ छोड़ा नहीं। घर गणेश जी के मंदिर के सामने बैठ करके या मंदिर के अंदर बैठ के आपने व्यभिचार किया, तो पहले तो आपके अंदर गर्मी आ जाएगी बहुत, या आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, कोई ना कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी, कुछ लोग नाचने लग जाएंगे, कोई उड़ने लग जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। पर तो भी आपने नहीं सुना, समझ लीजिए आप करते रहे जबरदस्ती, तो जिसको नेगेटिव तांत्रिज्म कहते हैं वो शुरू हो जाएगा, माने उस जगह से गणेश जी हट जाएंगे, उस मंदिर से गणेश जी का चित्त हट जाएगा, वो निकल जाएंगे। और गणेश जी वहां से हटते ही साथ अपवित्रता अंदर आ जाएगी। और ये दोनों साइड से देखिए, आपके दोनों साइड इनकी और इनकी जुड़ी हुई है, लेफ्ट एंड राइट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में से लेफ्ट साइड की तरफ में, जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है और राइट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है। वहाँ से जितने मरे हुए भूत हैं उसमें से जिसको मन चाहेगा वो आ सकता है और दुनिया भर की आपको सिद्धियाँ आ सकती हैं। यानी क्या, आप घोड़े का नंबर भी बता सकते हैं, आपके हाथ में से मूर्तियाँ निकल सकती हैं, आपके हाथ में से कुंकू निकल सकता है और घोड़े का नंबर आदि वगैरह। अब मनुष्य को ऐसा भी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने पास बुद्धि है, मनुष्य को यह सोचना चाहिए
कि परमात्मा को क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें हीरे की अंगूठी दे। पहली चीज, क्या आपको हीरे की अंगूठी चाहिए? फिर नहीं चाहिए आपको तो फिर ली क्यों? और फिर ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे हीरे के जो अंगूठी देने वाले लोग होते हैं, ये अपने देश का सारा कल्याण क्यों नहीं करते थे? सब अमीर लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको हीरा देने में क्या रखा? इसके बारे में भी कबीर ने बहुत लिखा है, नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर लिख दिया। ये खेचरी आदि ये इस तरह की जो चीज़ें, शक्ल ऐसी बनाना, मुंह ऐसे खींच लेना, आतड़ियाँ अंदर ले लेना आदि जो फालतू की चीज़ें हैं, इस पर भी उन लोगों ने अनेक लिखा कि इससे थोड़ी भगवान मिलता है। लेकिन उनको कौन पढ़ता है? आजकल तो लोग रजनीश को ही पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के कोई कैबरे डांस देखने को मिले तो क्यों ना जाए, वो भी मुफ्त। मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब हम ये सोचते हैं कि यह सिद्धि आ गई इस आदमी में, तो हम उसके चरण में जाने लगते हैं। जब उसमें जाने लगते हैं तो गणेश जी आपके अंदर लुप्त हो जाते हैं। ज़्यादातर गणेश जी के लुप्त हो जाने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां तैयार हो जाती हैं। दूसरी साइड अब देख लीजिए, ये तो हम इंडलजेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में क्या होता है? अब आप, अभी एक साहब आए थे आज ही, बड़े अच्छे आदमी हैं, शुद्ध आदमी हैं, उन्होंने अपने यहाँ गणेश जी की पूजा की, गणेश जी को रखा है, उनको पूछते हैं सुबह शाम तक, और उनका जो है मूलाधार चक्र पकड़ा। एक साहब और हैं हमारे बड़े भारी सहयोगी हैं, वो आए मेरे पास, बड़े भारी गणेश भक्त, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन होने वाला है, संकष्टी का दिन था। तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ पूछा नहीं उनसे, मैंने कहा बेटे लो चना खाओ, हमारा तो चना ही प्रसाद है तो आप जानते हैं। तो दूसरे साहब साथ में थे, कहले इनके तो आज उपास। मैंने कहा उपास संकष्टी के दिन, किसने बताया तुमसे? कहले सभी बोलते हैं। मैंने कहा सभी बोलते हैं, पर सोचो दिमाग से कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ, जिस दिन इस संसार में पवित्रता माँ लेके आई, उस दिन तुम लोग उपास करोगे, ये उसका क्या, तुम क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो क्या अनादर? जिस दिन कोई अपने घर बड़ा आदमी आता है तो हम लोग कितना जश्न मनाते हैं, ये खिलाओ वो पिलाओ, और जिस दिन श्री गणेश आपके घर में आया उस दिन सब लोग तुम उपास करते हो? कुछ विचार करो, वो दिन क्या उपास करने का है कि जश्न मनाने का? तो उनके दिमाग में आया, बड़े समझदार आदमी, ब्राह्मण है, बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण, उनके यहाँ बहुत पहले यज्ञ वगैरह होते थे, लेकिन समझदारी उनमें इतनी है, कहा माँ लाओ वो सब चना खा ले। और उस दिन से छोड़ा, और आपको आश्चर्य होगा, पूछ लें उनसे, चिट्ठी लिख करके, पुणे में रहते हैं, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड एकदम ठीक हो गए और उनको ऑपरेशन नहीं कराना। आदमी अगर बीचों बीच रहे, ज़्यादा एक्सट्रीम पना नहीं करे तो सब ठीक हो। कौन कहता है आप अपना सरदर्द लो दुनिया भर का, मार आफत कर लेंगे, हठ योग में मार अथड़ियाँ निकाल के रख देंगे। अरे भाई क्यों करते, अभी यहाँ एक बैठे इनसे पूछो, अभी इनको 3 साल बाद ठीक किया मैंने, इनकी तो पूरी अथड़ियाँ ही मेरे सामने निकल आती थी, मैं तो घबराहट के इनको, मैंने कहा भैया दो साल तू मेरे पास बता, जब तेरा ये बंद होगा तमाशा। वो ऐसे ऐसे कलांटियाँ मारते थे मेरे सामने की कुछ पूछो नहीं। ये सब करने को किसने कहा है? अरे क्या पहलवानी करनी है कि सिनेमा एक्ट्रेस बनना है? आराम से रहो, हाँ बहुत अति नहीं करो, बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, भूखे भी नहीं मरना चाहिए, ये साधारण तरह से घर गृहस्थी के जैसे रहो। अभी बैठे इनसे पूछिए, बताएंगे आपको इनकी क्या हालत है। 3 साल तक इनका ट्रीटमेंट किया इनके हठियों का, तभी जाके ठीक हुए, इनकी तो हालत ख़राब थी। तो बहुत ज़्यादा हठ योग में जाने की ज़रूरत नहीं, हठ योग जो है संसारी आदमियों के लिए नहीं। हठ योग तो जंगलों में जाओ जहाँ कोई गुरु होते हैं, पहुँचे हुए गुरु होना चाहिए। ये गुरु घंटाल नहीं, ये लाए वो आपके, क्या नाम उनका, मैं शिवानंद जी, उनका पेट इतना बड़ा था वो हठियोग लेके यहाँ पहुँचे, क्योंकि ये लोग किसी गुरु के पास जाते कुछ हाथ नहीं लगता है तो बस आसन वासन लेके आए, पैसा बना। आसन तो 1/10 भी नहीं है हठियोग के, या मनियम, प्रत्याहार, ईश्वर प्रणिधान, मनन, कितनी चीज़ें उसमें हैं। उसमें से एक छोटी सी चीज़ है कि चक्रों की सफाई करनी, वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है, कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है। वही चीज़ मंत्रों की भी है कि मंत्र का बोलना जो है वो भी, अब आपसे कह दिया कि ये तुम मंत्र जपो, आज एक ओंकार वाली आई थी, अरे भाई ओंकार तो यहाँ की चीज़ है। अब आपका पेट का चक्र पकड़ा, आप ओंकार ओंकार क्या कर रहे हैं, यही पकड़ जाएगा आपका। किसी ने बताया कि कृष्ण का नाम लो, ये हरे रामा हरे कृष्णा सबको कैंसर ऑफ द वो हो रहा है, थ्रोट सबको हो रहा है, सब मेरे पास आते हैं वहाँ से मार खाए, माँ हमारा कैंसर ठीक,
अब आप सोचें कि यहाँ श्री कृष्ण का आवास है कंठ में, सर्वाइकल प्लेक्सस में। आपको मैं कितने ही नाम बता दूँ, अब मैं उनको क्या ठीक करूँ। मैंने कहा आश्रम बनाने के जगह आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोलो। अब नम्री भिखारी उस राजा के नाम पर भीख मांगते दुनिया भर में घूमते, कोई शर्म नहीं आती। ये सिर्फ भिखारी की जात है, हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं, सारा अपना शुद्धि चक्र पकड़ लिया है इनका, कैंसर इनके हो रहा है। इनका कैंसर तो सिगरेट वाले से भी बदतर होता है। अब इनको कौन समझा, सबकी हालत खराब हो जाएगी, एक चार पांच साल में बहुत सारे कैंसर थ्रोट के पेशेंट्स हो जाएंगे, तब छोड़ें। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम नाभि चक्र यहां कहना चाहिए, हालांकि उसके बीच में एक चक्र और पड़ता है। ये जो नीचे का चक्र दिखाया है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं, इससे हमारे शरीर में जिसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं वो कंट्रोल होता है। अब पेल्विक प्लेक्सस जो है ये ग्रोस चीज है, और इसी से हमारी जनन इंद्रिय वगैरह इंद्रियां हैं, उसमें भी चार सब प्लेक्सेस हैं। देखिए डॉक्टर भी इस चीज को जानते हैं, उसके भी चार सब प्लेक्सेस हैं, पर ये ग्रोस में बाहर है और सटल में अंदर में ये चक्र है। जैसे है कि सटल में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं लेकिन उनकी सेक्रेटेरिएट बाहर काम कर रही है, इसी तरह की चीज है कि सटल में जो है गणेश बैठे हुए हैं, उनके भी चार हाथ हैं, उसके भी अर्थ हैं, और उनसे जो कार्यान्वित है उस सर्वाइकल प्लेक्सस पेल्विक प्लेक्सस है जो, उसके भी चार सब प्लेक्सेस हैं। सब जितने भी चक्र हैं उनसे चालित जो भी प्लेक्सेस हैं उतने ही उनके भी पंखुड़ियां हैं। उससे आगे आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र ये जो भवसागर है अपने पेट में, अपने पेट ही में भवसागर है, यही विराट का, ये विराट की शक्ल बनाई हुई है। इसके पेट में जो भवसागर है उसमें भी एक चक्र है जिसे नाभि चक्र कहते हैं। ये भी सटल में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में है, लेकिन वो चालित करता है सोलर प्लेक्सस को। और ये जो भवसागर है सागर स्वरूप, जो संसार के सारे सागर हैं इसी से बनाए गए हैं, और यही गुरु का तत्व है। गुरु तत्व जो है ये जल तत्व है, और गुरु का तत्व है, और इसमें ही दत्तात्रेय जो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो बनाए गए हैं, और उनके 10 मुख्य अवतार हुए हैं। उसमें से राजा जनक, नानक, मोहम्मद सब एक ही तत्व के अवतार हैं। इसलिए मुसलमान और सिखों की लड़ाई बिल्कुल बेवकूफ की बात है। नानक साहब तो संसार में दोनों को एकाकर से आए थे, बाद में मुसलमान गधे हो गए और उन्होंने आफत मचा दी, और अभी भी जिस चीज को उन्होंने मनाही की थी वो दोनों नहीं एक की थी, बिल्कुल एक ही चीज है, दो चीज नहीं, बिल्कुल एक चीज। और इसका भी आपको प्रत्यक्ष है कि एक बार नानक साहब मक्के के तरफ में पैर करके लेटे थे, तो किसी ने कहा इधर मक्का है, इधर क्यों पैर किए, तो उनका अच्छा चलो इधर मैं पैर करूं, उधर ही मक्का आ गया, जहां उनके चरण थे वहीं मक्का आ गया, तो अगर वो मोहम्मद साहब नहीं थे तो कैसे आ गया, सोचने की बात है, उसकी पहचाने। तो ये जो हमारा भवसागर है इसमें जो आदमी बहुत ज़्यादा कट्टर होता है जाति का, जिसमें कट्टरता होती बहुत ज़्यादा, वो आदमी पार नहीं होता। मैंने मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं फलाना, मैं ब्राह्मण, वो पार नहीं हो सकता। ये भवसागर का प्रॉब्लम है। और इसके बीच में जो नाभि चक्र है, ये नाभि चक्र जो है ये हमारे धर्म की रक्षा करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें श्री विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है, और जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो स्वयं साक्षात परमात्मा ही अवतरण लेते हैं। क्योंकि ये जो कृष्ण आपने देखे हैं या जो विष्णु जी हैं, यही हमारे सृजन तत्व के हैं, यानी इवोल्यूशनरी हैं, इसलिए वो जन्म लेते हैं। शिव जी ने कभी भी जन्म नहीं लिया, ब्रह्मदेव ने एक ही बार जन्म लिया है, जो कि इस चक्र में बसते हैं और इसी से चारों तरफ घूम करके, और इसका संबंध उनका नाभि से है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है, और वो चारों तरफ घूम करके और इस भवसागर को बचाते हैं और मनुष्य में धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य के धर्म 10 हैं मुख्यतः,
और इसीलिए 10 बहुत बड़े गुरु हो गए। जैसे कि सोने का धर्म होता है, आप कहते हैं कि सोना कभी खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है, उसी तरह मनुष्य में 10 धर्म होते हैं। जब इस धर्म से वो च्युत हो जाता है तो वो दानव हो जाता है। गुरुओं ने एक बताया कि शराब नहीं पीने की, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया और शराब आपके धर्म के विरोध में बैठती। मनुष्य अगर दानव बनाना तो उसे शराब पीजिए। मेरी तो समझ नहीं आती कि अगर एक दानव बना घूम रहा है तो ऐसे जगह जाने की जरूरत क्या, और ऊपर से उस पर कविता लिखते हैं। और ये मुसलमान जो अपने को बहुत बड़े मुसलमान कहलाते हैं, इनसे बढ़ के शराब पीने वाला तो कोई है नहीं। और सिखों का क्या हाल लंदन में हो रहा है, शर्म आती। वो एक हेलमेट लगाने के पीछे में मार आफत मचा दी, और जब शराब पीने पे आते हैं तो क्या अंग्रेज और क्या रशियन पिएंगे। पहले तो चोरी छिपे पीते थे, अब तो खुलेआम। सबसे बड़ी चीज है जो हमें बता गए हैं, उसके थोड़े से भी रास्ते पे चलो तो पार हो सकता है। लेकिन अब कोई शराबी कबाबी वहां से आए और मेरे ऊपर हक लगाए कि माँ हमें पार करा दो, तो उसका क्या अधिकार है बताइए? उसका कोई अधिकार होता है पार होने का? जब उसने एक छोटी सी भी बात अपने पिता की नहीं सुनी तो उसको कैसे हम पार करा सकते? और जब वो पार नहीं हुआ तो जाकर के मेरी बदनामी करेगा, क्या वो तो ऐसे ही है, वो तो हाथ घुमाती है, वो तो जादू करती है, मंत्र करती है। और आप क्या है? उनसे पूछना चाहिए, आपने क्या किया आज तक, आपने किसे पार किया, आपने किसका भला किया है, आपने किसी की तंदुरुस्ती बढ़ाई है, किसकी तबीयत ठीक करी है, कुछ किया है? माँ को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हारी क्या हस्ती? लेकिन यहाँ तो जो उठा वही बोल सकता है, किसी को भय तो है नहीं किसी के खिलाफ बोलने की। अब इससे ऊपर में मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कल मैं आपको इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर बताऊंगी। जो चक्र है इसे हृदय चक्र कहते हैं, और हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का स्थान है, शक्ति का स्थान है, जो सबकी जगत की जननी है उसका स्थान है। क्योंकि जब जब भवसागर में बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ और उन्होंने सारे जितने सात्विक लोगों उन्हें सताना शुरू कर दिया, तब वो स्वयं साक्षात आकर के उनका हनन करती है, उनको ख़त्म कर देती है। इसके लिए आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। इस पर मार्कंडेय जैसा कोई बड़ा गुरु नहीं होगा। मार्कंडेय भी बहुत बड़ी शक्ति थी, बड़ी महान शक्ति थी मार्कंडेय भी। ऐसे आदि शंकराचार्य जो थे वो तो अभिभूत थे माँ से, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो बस माँ की प्रेज ही गाते रहे सुबह शाम। अगर कोई शंकराचार्य को पढ़े तो उन्होंने कोई भी विवरण खास दिया नहीं, बस वो तो सौंदर्य लहरी और ये चैतन्य लहरी जिसे हम वाइब्रेशन करी यही गाते। बहुत बड़े पुत्र थे वो। अब उन्हीं के शंकराचार्य आजकल बैठे हुए हैं, मैंने सुना कि वो अपना बड़ा भारी चित्र सोने का बनवा रहे। अब क्या कहिए, अपने सर पे वो है खुद इतने से बटुवामन, और वो अपने ऊपर में चक्र बना रहे, किसी दिन गिर गया तो चोट ही लग जाएगी उनको। मतलब गिरेगा तो मेरा नाम मत रखना, लेकिन बता रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इतना बना ले कि उनके सर पे ना चोट लगे, गिरे तो चारों तरफ ऐसा बीच में बैठ के रहे आराम से, और उसी में बैठ के विमान में वो शायद स्वर्ग जाने वाले। और सब लोग उनकी पूजा में जाते हैं, खासकर जितने भी बेचारे साउथ इंडियंस हैं, इनके तो कछुमड़ बना रखा है। मैंने एक लेडी से पूछा कि तुम्हारा हीरे का कहाँ गया, वो मैंने दान में दिया। मैंने कहा किसको? कहले शंकराचार्य जी के। मैंने कहा अच्छा, कहले उनका बन रहा है ना, उसमें हीरे भी लगने चाहिए। मैंने कहा उसमें हीरे लगा और ऊपर में 4-5 हाथी भी खड़े कर दो। एक एक तमाशे दुनिया में हो रहा है, अरे जरा देखो तो सही, क्या ये भगवान के नमूने? ऐसे होते हैं भगवान के लोग? अरे भगवान के लोग तो होते हैं, बादशाह होते हैं, बादशाहत होती है उनकी, उनको क्या देने वाले हो तुम? बादशाहत ये होती है कि जमीन पे सो जाए तो भी बादशाह है, चाहे महलों में रहे तो भी बादशाह है, चाहे कहीं भी रहे तो भी बादशाह है। उसको कहना चाहिए भगवान के आदमी की ये कि वो उसका मुकुट लगा करके घूमेंगे, यहाँ पे हीरे जड़ा करके, गधों में हीरे लगाने से वो कोई राजा नहीं होते। उनको ऐसा लगता है गधों को कि अपने दुम में थोड़े से हीरे जड़ा लो तो दुम कट जाएगी। अच्छा, तो ये देवी जी का स्थान है। देवी जी जो है हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। हृदय में आत्मा स्वरूप शिव जी बसते हैं हर समय। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देती हूँ, आजकल मॉडर्न बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिस तरह से कि एक लाइट में एक छोटा सा दीप जलते रहता है गैस के, या आपने गैस घर में होगी तो उसमें देखा छोटी सी फ्लिकर जलती रहती, और जैसे ही लाइट आ जाती है, लाइट कहने से भी जैसे ही गैस की धारा आ जाती है, माने कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, इसकी लाइट उसको पकड़ लेती है और आपकी जो चेतना है उसमें लाइट आ जाती है।
आपकी चेतना अभी एनलाइटन नहीं, उसको किसी तरह से हृदय के पास पहुंचाना चाहिए। और हृदय जहाँ पे शिवजी का स्थान है, असल में सदाशिव का पीठ ही है, जगह ही है, स्थान वो है लेकिन पीठ ही है। तो कुंडलिनी जैसे ही यहाँ छू जाती है ऐसे ही हृदय आलोकित हो जाता है। यह है सदाशिव का स्थान, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ऊंचा सदाशिव का स्थान है। जैसे ही वहां कुंडलिनी छू लेती है आपकी चेतना में आलोकिता हो जाती है, तभी फिर ब्रह्म आपके अंदर से बहने लगता है। ये जो बहरा है साक्षात ब्रह्म है। आप ऐसे हाथ करके देखें, जो भी बात करें सच या झूठ है, आपको फौरन वाइब्रेशन आए, ये साक्षात ब्रह्म आपके अंदर से बहरा। और ब्रह्म जो है ये आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा ही परमात्मा की परछाया है। परमात्मा की परछाया अपने अंदर जो है, या प्रतिबिंब जो है, वो आत्मा स्वरूप है। परमात्मा सदाशिव स्वरूप मानने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से बाद में आपके ब्रह्मदेव और विष्णु, ये तीन एस्पेक्ट निकलते हैं। माने पहले तो एक सदाशिव स्वरूप होता है और उसके तीन एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं सदाशिव स्वरूप या शिव स्वरूप, जो कि हमेशा एग्जिस्टेंस मात्र है, उनकी वजह से हम एग्जिस्टेड हैं। आज अगर हमारा हृदय बंद हो जाए, खत्म हो जाएंगे। अस्तित्व जिसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है वो शिव स्वरूप है। उसके बाद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो क्रिएटर है, मतलब वो सृजन करते हैं, वो सारे संसार की निर्मिति करते हैं कहना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप उनका है, विष्णु जी का, वो हमारा सृजन माने उत्क्रांति करते हैं, हमारा एवोल्यूशन करते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर धर्म बैठता है, हर एक एलिमेंट्स के धर्म बैठते हैं, हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ का धर्म बैठता है। आम का पेड़ लगाओ तो आम निकलेगा। ये सब काम जो है उनकी सृजन शक्ति करती है, माने उनकी जो, जिसको कहना चाहिए, जिससे उत्क्रांति होती है। शिवजी का स्थान यहाँ पर है। अब शिवजी नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी, भोले आदमी है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। खास कर अगर कोई जरा सी भी गलती कर दो तो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। उनको मनाने के लिए तो साक्षात आदि शक्ति को उनके चरण पकड़ने पड़ते हैं जब गुस्से हो जाते हैं। तो उनको भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब वो गुस्सा काहे से होते हैं? वो गुस्सा इसलिए होते हैं जब मनुष्य का चित्त आत्मा की ओर नहीं होता। मनुष्य है, अब समझ लीजिए हठ योगी है, या जो आसन वासन करते हैं, सो कॉल्ड हठ योगी जिनको कहना चाहिए, तो वो रात दिन अपने शरीर कमाते रहते हैं। शरीर के तरफ जिस आदमी का ज्यादा चित्त गया उसे हो जाएगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सोचता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, घर बनाने के बाद एरोप्लेन बनाना चाहिए, एरोप्लेन के बाद में पता नहीं और क्या बनाना चाहिए, इस तरह के जो आदमी होते हैं उनसे बड़े रुष्ट हो जाते हैं शिव जी। इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि चित्त आत्मा की ओर नहीं। चित्त को आत्मा की ओर रखो, खासकर आपके दिल्ली शहर में, ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसको मैं बहुत माइल्ड शब्दों में कहती हूँ कि इम्बैलेंस है, उससे लोग खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। मैंने राइट साइड की एक्टिविटी ज़्यादा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आराम हराम है, चलो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देश का डेवलपमेंट करो, डेवलप होना चाहिए। डेवलप माने क्या, वो इंग्लैंड जैसा कर रहे क्या, जहाँ पर कि 10% लोग तो सुसाइड करते हैं, 10% लोग पागलखाने में जाते हैं, 10% लोग अनाथालय में बैठे हैं, 10% बच्चे जो हैं वो भांग खाते हैं। इसी तरह से का 10% करते करते अगर 1% कोई बैठ जाए तो वो सहयोग करते हैं। ये हालत है, वैसा आपको बनाना है। यहाँ जहाँ की एक ग्रैंड मदर है, अपने ग्रैंड सन से शादी करती है, या अंग्रेज अपने ऊपर रूल करते थे पहले गधे कहीं के, तो गधा कहूँ कि क्या कहूँ बताओ, ऐसा तो गधा भी नहीं करता होगा। और कॉमन चीज़, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से शादी करता है, और ग्रैंड मदर ग्रैंड सन से शादी करती, कॉमन, उनको कोई इसमें शर्म नहीं आती। लंदन में वेरी कॉमन, रोज न्यूज़पेपर में उनके वो आते रहते हैं, क्या है, लव लेटर्स। सवेरे न्यूज़पेपर खोलो तो लगता क्या गीता लिखी हुई है। ये अधर्मी लोगों ने अपने यहाँ इतने दिन राज किया, उस वक्त इतने गधे नहीं थे, अब बहुत ही गधे हो गए, अब तो लिबरेटेड हो गए ना, वहाँ के बूढ़े तो इतने गधे हो गए, इतने गधे हो गए कि उनको सब सिली ओल्ड ब्लॉक्स कहते हैं वहाँ पर। और वहाँ की लड़कियाँ बड़ी होशियार है, उन्होंने नाम बनाए हुए हैं,
वो कह कुछ उनको शुगर डैडी कहते हैं। एक बुड्ढे को बैठा रखा, उसका खूब पैसा खाती रहती है और घूमते रहती है आराम से। 15 साल की लड़कियाँ बड़ी होशियार हैं, 13 साल से होशियार हो जाती, 15 साल से नोचना शुरू करती, बस पैसा कमाने से मतलब। बुढ़ा हो तो क्या हुआ, 4 शादियाँ हो गई तो क्या हुआ। और आदमी लोग भी उनकी वैनिटी सेटिस्फाई होती तो खूब ऐसे ही करते हैं, बुद्धू कहीं के। बुढ़ों को वैनिटी हो जाती है, उनको इन्फीरियॉरिटी वहाँ कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि कोई विजडम ही नहीं उनके अंदर में। अपने यहाँ अगर कोई बुढ़ा हो गया तो कितना बड़ी चीज़ है, बाबा बुजुर्ग हो गए, आइए बैठिए, चरण छूते हैं, उनसे बगैर पूछे हम लोग कोई काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ के बुढ़े जो हैं इतने गधे हैं, उनके कौन चरण छूए। अमेरिका तो भैया उनका नाम ही नहीं लो, वो तो उनके नाना है गधे कहीं के, वो तो वहाँ कॉमन है। और अभी लंदन में भी उसका रूल निकाला है उन्होंने वहाँ पर लंदन में, कि उसका कायदा तुड़वाया वहाँ पर, कि दिस शुड बी अलाउ। वो तो छोड़ो, अब कायदा तुड़वा रहे हैं कि माँ बाप का संबंध जो बच्चों से होता है वो उसका भी कायदा वहाँ कायदा है। अपने यहाँ ऐसा कोई कायदा नहीं, ऐसा कोई कायदा करते तो लोग हंसे कि गोबर खाने का कौन सा कायदा होता कि गोबर नहीं खाओ, ये तो मनुष्य को ऐसी समझ में आता है। तो अभी उसके कायदे के पीछे में लड़ रहे हैं वो लोग कि ये जो कायदा है इसको मिटाओ, अब तू बता। और वो भी ओपनली पार्लियामेंट में जाकर, बेटी और बाप और बेटा और माँ बोलो तू। अब इन गधों से क्या सीखने का, काय को डेवलपमेंट कर रहे हो बाबा। जैसे ही पैसे ज्यादा हो गए उसके पैर निकलते हैं। पहले तो शराब, जो आदमी शराब पीता है उसको प्रमोशन देना ही नहीं चाहिए, ना उसको एक पैसा ज्यादा देना चाहिए। पैसा ज्यादा हो गया तभी तो शराब पी रहा है, अगर भूखा मरता होता तो क्यों पीता। वहां के पॉलिटिशियंस ने उनको चौपटाया, उनको बस क्या है, उनको तो यह है कि किसी तरह से उनको पैसा मिल जाए, उनको वोट मिल जाए, बस फिर जो करना करो। ये तुमको कायदा पास करना, हम ये करा देंगे, हमको वोट दो। क्योंकि पॉलिटिशियंस में भी वहाँ कोई धर्म तो है नहीं, तो ये भी कायदा वहाँ आजकल पास होने वाला है। बहुत कोशिश हो रही है कि ये जो कायदा बना हुआ है एब्सर्ड, इसको हटा देना चाहिए, बहन भाइयों पे भी नहीं। वहाँ आपको आश्चर्य होगा, अगर आप अपनी बहन के साथ जाइए लंदन में कोई होटल में आपको जगह नहीं मिलेगी साथ, बहन भाई को अलाउड नहीं है। वो कहते ये चाहे तो आप कोई और औरत को ले आ सकते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा है, और वहाँ लोग सोचते हैं ये कैसे हिंदुस्तान में हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई हमारे यहाँ अपने भाई तो छोड़ दो, पर किसी को एक बार भाई मान लिया तो सारा घर उसे मानता है। तुम हो कहाँ, ये तो अपने पाँव के धूल के बराबर नहीं है, इनको तो बहुत दिन तक अपने से सीखने का है। तुम्हारे अंदर जो सहज बातें हैं वो उन गधों के अंदर में घुसती नहीं है। अभी मेरे शिष्यों की बात छोड़ो, वो बहुत ही सभ्य है। कहले माँ इसका मतलब हमारे अंदर कोई संस्कृति नहीं। मैंने कहा ये तो इसका मतलब यही हुआ बेटे, अब तुम समझ लो। तो कहले अच्छा, हमारी आँख बहुत इधर उधर दौड़ती, कम से कम इसको रोको। गणेश सब अपने साथ रखते हैं कि हे गणेश हमें पवित्र बनाओ। तो मैंने कहा इसके लिए आप पृथ्वी पर अपना आँख लगा के चलो, अगर तुमने अपने पृथ्वी पर आँख लगाई तो ठीक होगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ वही देखते चलते हैं, ऊपर आँख ही नहीं उठाते। वो भी एक बात है कि वहाँ के जो सीकर्स हैं वो बड़े भारी पहुँचे हुए सीकर हैं। वो जो एक बार कह देते अब वो कान पकड़े हुए हैं, उनका भाई हो गया, बहुत हो गया। कल इसका कोई अंधेर है। अब आप सोचिए वहाँ पर क्राइस्ट पे फोटो निकाल रहे हैं, ये पिक्चर निकाल रहे हैं कि क्राइस्ट का और उसकी मदर का बुरा संबंध था। मैंने कहा हिंदुस्तान में पिक्चर नहीं चल सकती, ये तुम इधर ही चला लो। तो वो क्वीन को उस पर रूल लाना पड़ेगा, ये पिक्चर नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। वो बेचारी वहाँ शरीफों की कोई मार्ग ही नहीं रहा। तो ये रजोगुण में जब आप आते हैं, राइट साइड में रजोगुण है, तमोगुण से उठ के आप रजोगुण पे जब आते तो आप देख रहे हैं कि बीच में सत्वगुण है। तो बीचों बीच रहना चाहिए, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि बीचों बीच रहना चाहिए। जो मनुष्य बहुत रजोगुण में उतरता है वो अति पे जाता है, और अति में जाने के कारण ही उसमें अतिक्रमण हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया। पहले मूलाधार चक्र और मूलाधार, इसमें बहुत अंतर है। मूलाधार जिसमें कुंडलिनी स्थित है, और मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, अत्यंत पवित्र चीज है। उसको इंफॉर्मेशन सिर्फ माँ से आती है। जिस वक्त में आप किसी ऐसे व्यक्ति या अवतरण के सामने जाते हैं जिसको की अथॉरिटी है, तभी यह कुंडलिनी हिलती है और वो मूलाधार चक्र से कहती है कि हाँ ठीक है। तब वो रिलीज करते हैं यहाँ से दोनों, इसमें शक्तियाँ दोनों साइड कि जिससे जरा सी टेंशन कम हो जाए, और तब फिर कुंडलिनी उठती है धीरे धीरे, और नाभि चक्र से गुजर के
हृदय चक्र से गुजर के ऊपर जाती है। हृदय चक्र के एक साइड में, मैंने कहा आपसे, इस साइड में शिव जी का स्थान है और उस साइड में, जबकि यहाँ से आपके लक्ष्मी नारायण 10 अवतरण लेकर के इवॉल्व करे, तब 8वें अवतरण में जब रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है वो स्थान उनका है। लेकिन रामचंद्र जी बराबर बीचों बीच में नहीं है, वो राइट साइड में है, माने रजोगुण पे उनको बिठाया गया। उनको यह भी भुला दिया गया था कि वो अवतरण है, क्योंकि उनको रजोगुण पर बिठा करके उनकी मर्यादा बना दी कि ये मर्यादा है मनुष्य, क्योंकि आइडियल किंग के रूप में वो आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए जो पुरुष की जो मर्यादा है वो रामचंद्र जी है, और जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें फ्रीडम मिली तो चाहे मर्यादा छोड़ो। दूसरे, जिस मनुष्य में अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती उसका ये चक्र पकड़ता है। लेफ्ट हृदय उसका पकड़ता है जिसको आपके माँ के प्रति श्रद्धा नहीं होती, और जिसको अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होती या जो अपने पिता से दुर्व्यवहार करता है उसका ये चक्र पकड़ता है। दूसरे, अगर किसी ने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया उसका भी ये चक्र पकड़ता है। जो बीच वाला चक्र है वो जब औरतों का पकड़ता है उसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब यह चक्र पकड़ता है तब, या वो चक्र पकड़ता है तब, या यह चक्र पकड़ता है, तीनों चक्रों में मनुष्य को पैल्पिटेशन और ब्रीदिंग ट्रबल, इस तरह की बीमारियां होती हैं। ये तो बीमारी की बात हुई, लेकिन इससे भी बहुत सटल बातें हैं। इससे ऊपर के चक्र को, ये मैं कल समझाऊंगी सबको आपको, इससे जो ऊपर चक्र है जो कंठ के पीछे में यहाँ पर है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसमें श्री राधा कृष्ण का स्थान है। श्री राधा कृष्ण के स्थान पर जाकर के इनका अवतरण पूरा होता है। वहाँ पे 16 पेटल्स हैं और वही 16 सबप्लेक्सेस हैं, और इसी से हमारे आँख नाक ये सब, माथा, खासकर यहाँ का पोर्शन, जिसे कि लोगों को साइनस आदि की तकलीफें होती हैं, मुँह, जबड़ा, कान, ईयर, नोज, थ्रोट आदि सब कुछ, जो कुछ भी है ये इसी से होता है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इस चक्र को खूब अच्छे से समझें, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। और उससे ऊपर में जो चक्र है, जो आज्ञा चक्र, ये भी बहुत ज़रूरी चक्र है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगी। उसके बाद सहस्त्रार है। इस प्रकार आपने देखा है कि कैसे 7 चक्रों में से कुंडलिनी आप उठती है। कुंडलिनी किस तरह से उठती है, किस तरह से चढ़ती है, ये मैं परसों बताऊंगी आपको। और ये भी बताऊंगी कि इसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस, और सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस, और सुपर कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसमें किस तरह से आप लोग जागरूक होते हैं, इस तरह से मैं पूरी तरह से आपको साइंटिफिकली पूरी बात समझाऊंगी। आप लोगों ने जो भी लेक्चर सुना है उसमें से स्वयं साक्षात वाइब्रेशंस बहते रहे, इससे भी लाभ हुआ है। और कल जब आप आइएगा सवेरे तो जागृति करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन पर बैठिए, उसके बाद ज़रा सा जम जाने के बाद में शाम को फिर ये सब बताऊंगी आपको। और उसके बाद शायद इन लोगों ने दिल्ली में भी मेरा प्रोग्राम रखा है, वहाँ भी आप लोग आएँ। फिर उसके बाद मैं लंदन चली जाऊँगी और फिर से आऊँगी अगले साल। लेकिन इसमें जो बात मैंने कही वो फिर दोहराऊंगी, क्या लेक्चर सुना उसके बाद चले गए, ऐसा नहीं करो। अपनी इज्जत करो, अपनी संपदा को पाओ। सबसे मैं कहती हूँ अपनी संपदा को पाओ। अपनी संपदा को पाते ही आपका जितना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा, और आप उस दशा में पहुँचाएंगे जिसे साक्षी स्वरूप कहते हैं। और आपके हाथ से अविरत ये परमात्मा की डायनामिक शक्ति है, ये बहती रहेगी। जिस प्रकार, एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपना लेक्चर ख़त्म करूँगी। राधा जी को एक बार मुरली से बहुत ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने जाकर कृष्ण से कहा कि तुम्हारे मुँह में मुरली क्यों लगी रहती। तो कृष्ण ने कहा कि तुम मुरली से जाके पूछ ले। तो उन्होंने मुरली से जाके पूछा कि भाई तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। तो मुरली ने हंस के कहा कि तुमको नहीं मालूम, मेरी यही विशेषता है कि मैंने सब विशेषता खो चुकी, मैं खोखली हो गई, मेरे अंदर से वो बहता और बजाता है और मैं तो सुनती रहती। इसी प्रकार आप हो जाते हैं, और इसीलिए परमात्मा ने आपको बनाया है कि आप उसकी मुरली बन जाए। आपके अंदर से वो कार्यान्वित होंगे, उसको आप जानिएगा भी, उसके कार्य को भी जानिएगा, उसके अगम्य लीला को आप जानिएगा, उसके सर्वव्यापी शक्ति को आप जानिएगा, और ये सब कुछ आपका अपना हो सकता है। लेकिन ज़रा सी जो बुद्धि आपकी जो सीमित है उसको थोड़ा सा कहना भैया ज़रा ठंडी रहे,
सीमा से परे जाने के लिए सीमित चीज़ें नहीं चलती, इसमें असीम में कूदना है और यह अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म चीज़ों के लिए अपनी बुद्धि भी थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, अपना मन भी थोड़ा सूक्ष्म होना चाहिए। हर समय मन आपका लपटा रहे बाहर और बाहर की चीज़ें आप सोचते रहे तो काम नहीं बनता। थोड़े सूक्ष्म में आ जाओ, सूक्ष्म पाते ही साथ आप ये ग्रोथ तो क्या सारे जड़ जीव जंतु को ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर सूक्ष्म को पहले पाना चाहिए। बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़। मैं लंदन में थी, लंदन के लोगों ने कहा कि माँ बड़ी ठंडी होती है, ज़रा गर्मी करा दो। मैंने कहा अच्छा तुमको समर चाहिए कल यहाँ? आपने सुना होगा कि लंदन में 2-3 समर बड़े हुए हैं, आप मेरे शिष्यों से पूछ लीजिए। अभी यहीं दिल्ली में हमारा प्रोग्राम पिछले महीने होने वाला था, तो हमारे सुब्रमण्यम साहब ने हमसे कहा कि माँ यहाँ बहुत ठंडी हो रही है, -3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो क्या करें? मैंने कहा अच्छा अगले महीने रखो, हमें अभी टाइम नहीं है, अगले महीने आएंगे। तो उनका कि नहीं 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 फरवरी के तक तो बहुत ठंडी हो जाएगी, एकदम फ्रीजिंग हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा तुम रखो तो सही, हमारे आने से पहले एक ही दिन सूर्य देवता जी शुरू हुए यहाँ मेहनत करने के लिए और अभी आप लोग आराम से बैठे हो, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। पहले सूक्ष्म को पाओ, सूक्ष्म को पाते ही साथ में क्या है, ये जड़ तो ऐसे ही, आप लोगों ने वैसे भी जड़ को काफ़ी काबू कर लिया है, पर जड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया। जैसे कि आपने जड़ है अभी इसको देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को आपने मैनेज कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपका काम नहीं चलता, तो इलेक्ट्रिसिटी ने आपको काबू किया। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं और जब उस दशा में आप पहुंच जाते हैं जहां कि सारे जड़ के ऊपर आप बैठे हैं, तो जड़ है आपके चरण छूते, जो कुछ करना चाहे आप करवा सकते हैं, उसका कोई महत्व भी नहीं रहता, फिर इंटरेस्ट ही नहीं रहता, फिर तो मज़े में आदमी अपने में रचता है। और सबसे सुंदर जो चमत्कृति परमात्मा की, ये आप लोग हैं, मनुष्य है, मानव है, और फिर उसका मजा आता है। जैसे अभी एक साहब प्रेमपुरी साहब पैर पे आए तो सबने बुलाया, देखो 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 इनके वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं, ऐसी है तुम्हारे अंदर से सुगंध बहते रहता, उसी सुगंध को लेते रहो और उसको पाओ।